लगता है कि आप आइए, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो होता है वो असली मेहनत होती है, और वो मेहनत करवाने दीजिए जो आपके जो उम्मीदवार जो जीत के आते हैं उनसे मेहनत करवाइए। लेकिन सबसे पहला काम जो मुझे लगता है आपका बहुत छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट काम है कि आइए वोट दीजिए। और अभी भी जो नंबर मुझे सुनने में आए कि 60% ही सिर्फ मतदान हुआ है, तो उसको और आगे बढ़ाइए, और यही उम्मीद करता हूँ कि जितना आप ज़्यादा वोट देंगे उतना ज़्यादा हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। देखिए, कई बार ऐसे मैंने लोगों से बात भी की पर्सनल लेवल पे, वो लगता है यार एक वोट नहीं देंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। ऐसे ही अगर सोचो, अगर 10,000 लोगों ने सोच लिया तो 10,000 वोट से तो एक एक करके वो कहता है ना टीपू टीपू सरोवर भरा है, तो हम वो सारे वो एक टीपू छे हमें लोगों यानी वो समुंदर बना रहा है, तो समुंदर की सोचिए, और इसी वजह से वो एक एक जो बूंद है वो बेहद ज़रूरी है, और वो हमें उसका इस्तेमाल करना होगा, और हम जब ये नहीं करेंगे तो हमें फिर वो सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। तो हम पहले हमारे हक जो है उसको बेसिकली पूरी तरह से उसका इस्तेमाल करें, तभी हम जाके सवाल जो भी उम्मीदवार जो जीत के आएगा वो जाहिर सी बात है वो इसलिए जीत के आता है क्योंकि लोगों ने उन्हें जिताया है, और लोगों ने इस उम्मीद पे जिताया है कि आप आएंगे या काम करेंगे, लोगों के हक में काम करेंगे, देश के हक में काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये फ़र्ज उनका है, ये उनकी जिम्मेदारी रहती है और वो उनको निभाना चाहिए। हम लोग फैमिली के साथ हमेशा जब भी छुट्टी का समय आता है तो हम सभी आते हैं यहाँ पे वोट करने के लिए, और हमारे जितने भी जानने वाले उनको हम सबको मैसेज देते कि भाई वोट दीजिए, जितने आसपास के लोग हैं तो यही अपील करेंगे कि जितना हो सके इतना वोट करें, ताकि ये एक दिन आता है कि आप अपना वोट दे और जो अधिकार हमें दिए सरकार ने और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। माहौल कैसा लग रहा है यहाँ पे आज? बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है, सब लोग वोट दे रहे हैं। मेरे रास्ते में सुबह से मैं प्रैक्टिस में भी गया था, जब वापस आ रहा था तो लोगों को देख के, लोगों का उत्साह देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि तमाम लोग घर से निकले हुए वोट दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने अधिकारों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं।